गुड इवनिंग 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 वेल टाइप इन चैट बॉक्स अल्लाह कैसे आप लोग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल टाइप इन चैट बॉक्स कैसे आप लोग यस 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 रे बाबा ब्यूटिफुल 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 सो माई फ्रेंड्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल गेट एम पी आई एक्सी विच इज यूशन फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडानिक टू पॉइंट ओ में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानिक्स में क्लॉसियस इनक्वलिटी ओ हो वॉटअप Beautiful topic. Oh, good evening, good evening, good evening, good evening. बेटा पूरा derive करने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ formula देकर नहीं छोड़ दूँगा। Clausius inequality कहाँ से आती है? यही क्यों है? पूरा discuss करने वाले हैं। So I hope you people are ready. बेटा uh, beautiful journey हम लोगों ने start करी है second law of thermodynamics की। We have discussed why second law of thermodynamics statements of second law of thermodynamics, calvin planck statement and its consequences, clausius' statement and its consequences. then we have discussed carnot theorem, carnot corollary. in between, we have discussed c.o.p. also. yes, hana, c.o.p. c.o.p. discussed carnot cycle, carnot theorem, carnot corollary. then we have discussed thermodynamic temperature scale. थर्मोडोमिक टेम्परेचर स्केल्स रादर एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में थर्मोडोनमिक कैलविन स्केल और उसके बाद हम लोगों ने रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइसेस की एनालिसिस करी थी और उसके बाद कंटिन्यूसली फोर फोर क्लासेस वी हैव डन द प्रैक्टिस जितने भी पी वाई क्यूज आए हुए थे जितने भी पी वाई क्यूज आए हुए थे सारे के सारे हम लोगों ने निपटा दिए रहे बाबा गेट में कैमिकल एक्सी पी आई फिजिक्स केमेस्ट्री सब निपटा दे रहे बाबा एंड देन उसके बाद हम लोगों ने माई टेन न्यू क्वेश्चन भी किए हैं तो मुझे जहां तक लग रहा है ऑलमोस्ट सेवेंटी फाइव क्वेश्चन वी हैव सॉल्व आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लॉसियस इन इक्वलिटी पूरा कॉन्सेप्ट आज डिस्कस कर लेंगे कल इसके बेसिस पर जितने भी गेट क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे उसके बाद एक फाइनल टच देंगे वी विल बी डिस्कसिंग द इंजीनियरिंग सर्विस पी वाई क्यूज पहले कन्वेंशनल कर लेंगे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा थॉरोली सेकेंड लॉ हो जाएगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू अल्लाह माई फ्रेंड्स जो लोग मेरी क्लास के लिए पहली बार आ रहे दोज कमिंग फर्स्ट टाइम फॉर माई क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस सेल्फ नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी मैकेनिकल हेड अन ब्रांड्स गेट ऑल इंडिया रैंक वन टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी इंजीनियरिंग साइंसिस पेपर ऑल इंडिया रैंक वन बैंक नोट पेपर मिल आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम आई आई टी बॉम्बे आई वॉज द टॉपर ऑफ माई बैच आई एम टीचिंग फॉर गेट एंड सिंस नाइन प्लस इंडिया

एंड विच फॉर मीन्स फॉर विच आई एम प्राउड ऑफ मतलब इस पॉइंट के लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इतना प्यार मिलाए एंड आई थिंक दिस इज वॉट आई अर्न ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म इन लास्ट सिक्सटीन मंथ आई एम हैविंग द रिकॉर्ड ऑफ हाइएस्ट नॉलेज हैड्स डेडिकेशन ऑन अन अकेडमी प्लस इन गेट एंड डी एस सी कैटेगरी जितने भी एडुकेटर्स हैं सब मैकेनिकल सिविल कैमिकल और मे बी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा नॉलेज है डेडिकेशन मेरे पास है इतना प्यार नेगी सोल्जर्स का मिला है सो थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच बेटा ऑन ऑफ जुलाई लक्ष्य फॉर गेट एंड ई 2022 बैच ई आरोहण फॉर गेट एंड ईसी 2023 बैच ई फोर्टींथ ऑफ जुलाई को स्टार्ट किया है ये बैच Jinko join karna hai, they can join these batches using the referral code NEGI 10. Okay, these are the English only batches. Better good evening, good evening, good evening. These are the English only batches. There are so many NEGI soldiers who are saying, Sir, we are very comfortable with English only. So, beta, these are the batches. Your NEGI sir will be taking the classes in these batches also. पार्क फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वर्क फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री यू कैन ज्वाइन दीज बैचेजिंग द रफरल कोडेटन एक ही रफरल कोड हैुलाई दस डे वी आर स्टार्टिंग वेरियस न्यू बैचेस ऑनअमी प्लस ओके वन ऑफ द बैच इज एक्सल बैच यस एक्सेलरेट बैच फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू मैके इंजीनियरिंग सर्विस करना चाह रहे हैं या आप लास्ट अटेम देना चाह रहे हैं गेट दो हजार बाईस का तो बेटा यह है बैच ज्वाइन करने के लिए एक्सेलरेट बैच ए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई दस डे और इसी दिन मेरा नया कोर्स लॉन्च हो रहा है अन अकेडमी प्लस पर डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडानिक्स फॉर गेट मैकेनिकल एंड एक्सी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं इस डिटेल्ड कोर्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडोनॉमिक्स की बेटा टोटल 150 फिफ्टी आर्स का रहेगा वी आर स्टार्टिंग ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021 which is a wednesday okay and of course this course will be very helpful for gate mechanical as well as gate xc aspirant timing will be 8:30 pm to 11 pm timing will be 8:30 pm to 11 pm hai na बेहतरीन timing है सब लोग free रहते हैं पढ़ाई करने के लिए आ जाओ रे बाबा अगर आपने अभी तक अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है इफ यू ऐप टिल नाउ गुना कर रहे हैं आप फटाफट से फटाफट से फटाफट से लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बिकॉज दूमेंट यू आर इंस्टॉलिंग ऐप कुछ तो मिस कर रहे, रहे कुछ तो मिस कर रहे मूवमेंट यू आर इंस्टॉलिंग दिन अकेडमी लर्निंग एप यूल बी गेटिंग टू बेफिट द फर्स्ट बेनिफिट इज यू विल अनलॉक यूर फ्री प्लान दूवमेंट आई एम संग Free plans, you will be able to unlock your free special classes, free quizzes, free test series, free on Academy combat yet. And yes, an Academy Learning app will be asking you the invite code to unlock your free plans, and there is only one invite code for Negi soldiers. What is that? Negate tan, negate tan, negate tan. hare baba. Okay. Now, another benefit. The moment you are installing an Academy Learning app. यू कैन सेंड मी द डायरेक्ट मैसेज ऑन अन अकेडमी लर्निंग ऐप यस आप मुझे डीएम कर सकते हैं आपको कोई भी डाउट है सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है थोड़ी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो कौन सी बुक फॉलो करनी है क्या करना है अन अकेडमी प्लस कैसे ज्वाइन करना है क्या सब्सक्रिप्शन फी है मुझे इस एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करना है कौन सी बुक्स कॉन्टेंट कौन सा फॉलो करना है बेटा सब आप मुझे यहां पर मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई देने वाला हूं सोने से पहले गुड इवनिंग So कहा मिलेंगे Where will we find your class notes? आपके फ्यूचर क्लासेस की लिंक्स कहा मिलेंगी तो बेटा देर इज अ टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज नेगी जैसे आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं you will be getting the PDFs, you'll be getting the relevant content, you will be getting the uh, links, right And um, let me tell you more than 10,000 Negi soldiers are making their preparation better with the help of this telegram channel. One more thing beta, uh, I'm taking the free classes on YouTube, I'm taking the free classes on an academy learning app also there's a segment called. अकेडमी फ्री स्पेशल क्लासेज जहां पर आप मुझे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यू नीड नॉट टू पे एनी थिंग वन थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू अनलॉक योर फ्री प्लान बाई यूजिंग द एन व्हाइट कोड निगिटन ओके तो अगर आप चाहते हैं वेन एवर आई एम टेकिंग द फ्री स्पेशल क्लास यू शुड गेट द नोटिफिकेशन आप एक काम कर लीजिएगा जस्ट डू वन थिंग सर्च माई प्रोफाइल बाय टाइपिंग देवेंद्र सिंह नेगी And follow me. The moment you are following me, you will be getting the notification from an academy whenever I am taking an academy free special classes. Okay. Enter the invite code to unlock your paper. Enter the invite code to unlock your paper. What is the invite code, Rebaba? What is the invite code, Rebaba? Good evening, good evening, good evening. ट इज दैट वट इज नेगेटन नेगीटन है रे बाबा टन है चलो अटेंडेंस लगा दो बेटा मार्क योर अटेंडेंस क्विकली येस येस यस मार्क्योर अटेंडेंस क्विकली लेटमी से लेटमी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइव राइट नाउ

नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन क्लॉसियस इन बी डिस्कसिंग द माई टेन न्यू डिस्कसिंग द इंजीनियर सर्विसक्टिव पीवा सर्विस एंड सिविल सर्विसेस यस एंड ट्रॉफी मैडम का बर्थडे आज यस टूडे वी आर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लॉसियस इन मजा आने वाला है बेटा मजा आने वाला है पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा पूरा फील आएगा आपको कि ये क्लॉसियस आ कहां से रही है जिनको जिन्होंने थोड़ा रटा हुआ है उनको समझ में आ रहा होगा क्लॉसियस इनक्विलिटी कुछ ऐसी होती है साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये कहां से आई और यही क्यों हुआ और यह भी बताने वाला हूं गेट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा हर चीज आपको बताने वाला हूं बेटा सो आर योर रड़े हा पोस्टर में क्लॉसियस साहब ही हैं। अंशु आ जाओ रे बाबा हो थैंक यू सो मच आयुष सो आर योर रड़े रडी हैं रडी हैं। बेटा आज मजा आने वाला है मजा आने वाला है चलो लड़स स्टार्ट लेट टस टाटूडेज क्लास क्लॉसियस इन अब इसका पहले डेरिवेशन करूंगा बहुत ध्यान से समझना आपको मजा आने वाला है लटस सपोज लटस सपोज आई एम हैविंग अ सोर्स ऑफ हीट लटस सपोज आई एम हैविंग अ सोर्स ऑफ हीट विच इज एट अ टेंपरेचर टीएच इज इक्वल टू कांस्टेंट यह देखो बेटा आई एम हैविंग अ सोर्स ऑफ हीट

this is a reversible heat engine now look at here this reversible heat engine is taking the heat from this source this reversible heat engine is taking the heat from the source converting some part of heat into work and rejecting remaining part of the heat let me say remaining part of the heat is rejected to a piston cylinder arrangement which is carrying some gas this heat is getting rejected but at se this heat is getting rejected to piston cylinder arrangement which is carrying some gas which is carrying some gas

First of all, try to understand whatever the analysis I am doing, whatever the analysis I am doing, I am doing for a small time dt. Look at here, I am doing the analysis for dt time. Let me say in the dt time. Heat del QH is getting supplied to the reversible heat engine. Let me say in this dt time, the work output of reversible heat engine is del W1, and let me say remaining heat is getting rejected to the gas let me say this uh, dt time is very small time. Nah? Let me say in this uh, dt d small t in this uh, dt time the temperature of the gas is a capital T. Let me say in this dt time temperature of the gas is a capital T. The moment you are seeing these things try to understand what I am saying. I have written two temperatures on your screen. One is a TH, one is a capital T. Please try to understand this TH is the temperature of reservoir, you can assume as a constant. But this temperature, capital T, this temperature, capital T, is the temperature of the gas in this dt time interval the moment time is changing if i take bigger time interval this t will keep on changing so remember this capital t is not constant actually it is varying it is varying i hope each and everyone is clear till here i hope each and everyone is clear till here Confirm baba. type in chat box are you clear till here यहां तक सब लोग क्लियर हैं यहां तक सब लोग क्लियर है फटाफट से कंफर्म कर दो रे बाबा, यहां तक सब लोग क्लियर हैं नाउ लिसन केयरफुली बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना अब आएगा मजा अस सपोज अस सपोज आई एम टेकिंग वन कंबाइंड सिस्टम सर व्हाट इज द कंबाइंड सिस्टम बेटा ये है आपका कंबाइंड सिस्टम बिल्कुल ध्यान से देख लेना मजा मजा आने वाला है लेटा सपोज दिस इज द कंबाइंड सिस्टम मान लो ये कंबाइंड सिस्टम है व्हाट इज इनसाइड कंबाइंड सिस्टम फॉरगेट अबाउट दैट है ना अच्छा एक चीज देखना बेटा एक चीज और बता दू आपको जैसे ही ये हीट सप्लाई होगी डेल क्यू गैस को गैस विल एक्सपेंड ना देर विल सम डिस्प्लेसमेंट वर्क लेट मी से दिस डिस्प्लेसमेंट वर्क इज डेल डब्ल्यू टू यह है बेटा कंबाइंड सिस्टम आपको उसके अंदर क्या उससे कोई मतलब नहीं है फॉरगेट अबाउट दैट वट इज इनसाइड कंबाइंड सिस्टम फॉर ये ब्लैक बॉक्स अरे चंपू दिस इज योर ब्लैक बॉक्स रे पापा ब्लैक बॉक्स है उसके अंदर क्या भूल जाओ फॉरगेट अबाउट दैट एज ऑफ नाउ फॉरगेट अबाउट दट एज ऑफ नाउ बेटा अगर मैं आपसे पूछू वट इज द वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम क्या है कंबाइंड सिस्टम ये है बेटा ये है ये है कंबाइंड सिस्टम दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम दिस इज योर कंबाइंड सिस्टम

Work output of combined system, let me say, Del WC. What will be that? Del WC is equal to Del W one. प्लस डेल डब्ल्यू टू फटाफट से ये कंफर्म कर दो बेटा फटाफट फ़्ट से ये कंफर्म कर दो यहां तक सब लोग क्लियर हैं आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर टिल फटाफट से कन्फर्म कर दो यहां तक सब लोग क्लियर हैं अब सुनना बेटा कैन आई से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानिक्स फॉर अ प्रोसेस अंडर गॉन बाय कंबाइंड सिस्टम मैं एनालिसिस कर रहा हूं कंबाइंड सिस्टम की सो कैन आई से वट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानिक्स कितने लोग को याद है क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा ई सो हंड्रेड परसेंट इन डिफरेंसियल फॉर्म डल क्यू इज इक्वल टू डल डब्ल्यू प्लस डी ई now i want to apply now i want to apply this first law of thermodynamics according to first law of thermodynamics for a process i want to apply for combined system so what is the heat interaction for the combined system del qh is the heat which is getting supplied is equal to del w c of the combined system प्लस डीई सी चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम बेटा यहां तक सब लोग क्लियर हैं यस यस है डोंट वरी बेटा डोंट वरी बेटा अभी तक जो भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आप लोग क्लियर हैं क्या और अगर आप लोग क्लियर हैं तो हर्ट्स के सिंबल हो जाए बाबा जैसे आप हर्ट्स के सिंबल बनाते हो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है कि आपको समझ में आ रहा है द मूवमेंट यू आर पुटिंग सिंबल्स हर्ट सिंबल्स पूरी चैट बॉक्स लाल हो जाती है मुझे पता चल जाता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं तो बताओ बेटा यहां तक आप लोग क्लियर हैं यहां तक आप लोग क्लियर हैं वाह 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 वा, वा, अल्टा झमाझम जम, अरे नया वर्जन आ गया झमाझम जम का झमाझम जम क्लियर का नया वर्जन आ गया अल्ट्रा झमाझम जम क्लियर चलो चलो ना लुक एट हियर न लुक एट हियर कैन आई राइट वन थिंग अकॉर्डिंग टू थर्मोडाइनमिक अकॉर्डिंग टू थर्मो डायनमिक कैलविन स्केल थर्मोडा कैलवनिसमिंग आई एम राइटिंग फॉर डी टी टाइम डी टी टाइम इन डी टी टाइम आई एम एचर ऑफ द गैस इज टी तो वो जो स्मॉल डी टी टाइम है उसमें टेम्परेचर गैस का टी ही है तो बेटा आई एम हैविंग द रिवर्सिबल ही द रिवर्सिबल ही सो वट इज माई थर्मोडाइनमिक कैलविन स्केल क्यू एच डल क्यू एच बाय डल क्यू इज इक्वल टू वॉट टी एच बाय डल क्यू एच बाय डल क्यू इज इक्वल टू टी एच बाय टी बेटा रिमेंबर ये जो मैंने लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने डी टाइम के लिए लिखा है दिस आई हैव ओनली फॉर टी टाइम अगर टाइम इंटरवल छोटा है तभी ये टेम्परेचर टी रहेगा अदरवाइज इट विल बी बैरिंग इट विल बिकम समथिंग समल क्यू एच इज इक्वल टू टी एच बाय टी इन टू डल क्यू सो कैन आई राइट इन दिस वे ऑल्सो डल क्यू एच इज इक्वल टू टी एच डल क्यू बाय टी ना लखमी से दिस इज इक्वेशन नंबर बी बेटा ध्यान से देखना आई एम हैविंग इक्वेशन नंबर ए विच आई गॉट वेन अप्लाइंग द फर्स्ट लॉफ थर्मल फॉर अ प्रोसेस फॉर कंबाइंड सिस्टम यहां पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में डल क्यू एच है विच इज दीट सप्लाई टू द कंबाइंड सिस्टम

कंपेयर कर सकता हूं सो कैन आई राइट फ्रॉम इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी कैन आई राइट टी एच क्यू बाई टी इज इक्वल टू वट वट इज आई एम हैविंग ऑन द राइट हैंड साइड डल डब्ल्यू सी प्लस डीईसी तो बेटा यहां से क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डल क्यू बाई टी इज इक्वल टू वन बाई टी बेटा मजा आ जाएगा क्लॉसियस इन का डेरिवेशन कोई नहीं करवाता आज आपको फील आ जाएगा कि ये क्लॉसियस इन ऐसी ही क्यों है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ पीपल आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन इन गेट एग्जाम वो भी बताने वाला हूं वन बाई टी एच डब्ल्यू सी प्लस डी सी लटमी से दिस इज इक्वेशन नंबर सी बेटा जो भी स्क्रीन पर लिखा है सब कुछ क्लियर है जो भी स्क्रीन पर लिखा है सब कुछ क्लियर है थैंक यू सो मच बेटा मयंक. थैंक यू सो मच जल्दी से बताओ बेटा जल्दी से बताओ आई होप फट से कंफर्म कर देंगे रे बाबा. आर क्लियर टिल यहां तक सब लोग क्लियर हैं? यहां तक सब लोग क्लियर हैं आई होप एंड एवरीवन इज क्लियर एक एक टर्म समझ लो डेल क्यू बाय टी डेल क्यू इज द हीट विच इज गेटिंग रिजेक्टेड टू द द गैस बाय रिवर्सिबल टी इज द हीचर ऑफ द गैस इन डी टी टाइम वन बाय टी एच टी एच इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स डेल डब्ल्यू सी इट इज द स्मॉल वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड सिस्टम डी सी इट इज द स्मॉल चेंज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम now listen carefully now listen carefully let us suppose combined system champa what is combined system Re -baba. reversible heat engine plus piston cylinder arrangement carrying gas let us suppose combined system undergoes undergoes a cycle साइकिल में जाती है रे बाबा कंबाइंड सिस्टम तब क्या होगा इसी इक्वेशन में साइक्लिक इंटीग्रल ऐड हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाई टी इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी एच डल डब्ल्यू सी प्लस एच एम पाओ दिस इज कॉन्स्टेंट रे बाबा टेम्परेचर ऑफ द सोर्स

del q by t is equal to 1 by th cyclic integral del wc plus cyclic integral d e c. But uh, I am having right now, I am having three terms in cyclic integral. Cyclic integral del q by t साइक्लिक इंटीग्रल सी साइक्लिक इंटीग्रल डी सी इन तीनों में से एक हंड्रेड परसेंट शून्य रे बाबा इन तीनों में से एक हंड्रेड परसेंट शून्य रे बाबा क्या है जीरो क्या है जीरो ये आपको पता है कॉन्सेप्ट यू नो आपको पता है बेटा आपको पता है क्या चीज जीरो होगा यू नो यू नो द कॉन्सेप्ट देखो हीट इंट्रैक्शन वर्क इंट्रैक्शन बोथ आर पाथ फंक्शन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम इट्स अ पॉइंट फंक्शन एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम एंड फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज अ अर अरे चंपा दिस इज वॉट ये क्या है वट अ ब्यूटी चंपा Oh, Champa, look at here, Rebaba. Eh, Champa, look at here, Rebaba. Eh, Cyclic integral DEC is basically representing the change in energy of the combined system for a cycle. It has to be 0. It has to be 0. Look at here. Energy is the property of the system. The change in property of the system for a cycle is 0. For a cycle, for a cycle change in change in energy change in energy of the combined of the combined system is a sunya is a sunya zero. That means what I am having. साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू वन बाय टी एच साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी ये कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा यहां तक क्लियर है आप लोग बेटा फटाफट से बताएंगे यहां तक क्लियर हैं आप लोग यहां तक क्लियर हैं आप लोग

यार ये कंबाइंड सिस्टम को देखना ये कंबाइंड सिस्टम को देखना यू जस्ट सी दिस कंबाइंड सिस्टम बेटा ध्यान से सुनना अगर ये कंबाइंड सिस्टम इफ दिस कंबाइंड सिस्टम इज अंडर गोइंग अ साइकिल चंप और सी दिस कंबाइंड सिस्टम दिस इज द कंबाइंड सिस्टम रे बाबा इफ दिस कंबाइंड सिस्टम इज अंडर गोइंग अ साइकिल My champo, my beautiful chumpo. can you observe? It is violating Calvin Planck statement. Why? Because, if this combined system is undergoing a cycle, it is taking the heat from a single reservoir and continuously giving the work output. It is impossible. the Calvin Planck statement. हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी हो जाएगी ना रे बाबा हंड्रेड परसेंट एफिशिएंसी हो जाएगी ना रे बाबा अकॉर्डिंग टू कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट इट इज इंपॉसिबल फॉर अ सिस्टम टू अंडर गो इन साइकिल इन सच अ वे दैट इट इज अ कंटिन्यूअसली डिलीवरिंग द नेट टू वर्क आउटपुट टू द सराउंडिंग बाय टेकिंग द हीट सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वर यह तो इम्पॉसिबल है यह तो इंपॉसिबल है यानी कि इसका मतलब क्या हो बेटा ध्यान कंबाइंड सिस्टम ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल विल बी वायोलेटिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोनॉमिक कैलवेनिक प्लान स्टेटमेंट यानी कि कितने लोगों को यह चीज समझ में आ रहा है हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड साइकिल इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी ग्रेटर देन जीरो और साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी इज इक्वल टू पॉजिटिव दिस इज इंपॉसिबल बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है यह इंपॉसिबल है कितने लोगों को समझ में आ रहा ये है यह चीज इंपॉसिबल बेटा दिस इज इंपॉसिबल दिस इज इंपॉसिबल यह चीज इंपॉसिबल है यह चीज इंपॉसिबल है साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता इट इज इंपॉसिबल आई कैन नॉट हैव द नेटवर्क आउटपुट फ्रॉम दिस कंबाइंड सिस्टम विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ साइकिल इट इज इंपॉसिबल और अगर ये इंपॉसिबल है तो बेटा ध्यान से देखना अभी हम लोगों ने क्या देखा था साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू वन बाई टी एच साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी बेटा ध्यान से देखना ध्यान से देखना ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव हो ऐसा इंपॉसिबल है तो यार एक चीज बताओ पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज इंपॉसिबल सो कैन आई से फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग वन कंक्लूजन ये साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी पॉजिटिव हो ये इंपॉसिबल है ये इम्पॉसिबल है ये इंपॉसिबल है इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख देता हूं साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी ग्रेटर देन शून्य ये दोनों चीजें इंपॉसिबल है मतलब एक ही चीज को मैंने दो उसमें लिखा है दिस इज इंपॉसिबल ओह माय गॉड ओह माय गॉड यस यस आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हेयर यहां तक क्लियर है आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर एक चीज तो पता चल गया रे बाबा साइक्लिक इंटीग्रेशन साइक्लिक इंटीग्रेशन डल क्यू बाय टी पॉजिटिव नहीं हो सकता साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो इज इंपॉसिबल आई होप इच एंड एवरी इज क्लियर टिल हियर। साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो इज इंपॉसिबल तो यार अगर पॉजिटिव इंपॉसिबल है तो अपने पास कौन कौन से ऑप्शन बचे अपने पास कौन कौन से ऑप्शन बचे दो ऑप्शन बचे साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू जीरो इज पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है अरे अगर पॉजिटिव पॉसिबल है तो या तो नेगेटिव होगा या जीरो होगा ये तो सबको समझ में आ रहा है ना अरे जस्ट नाउ वी हैव सीन वी कैन नॉट है इट इज वायोलेटिंग कैलविन प्लैंग स्टेटमेंट सो आई साइक्लिक इंटीग्रल डेलक्यू बाई टी विल बी नेगेटिव और जीरो दिस इज पॉसिबल दिस इज पॉसिबल दो दो चीजें हो सकती हैं या तो साइक्लिक इंटीग्रल टी लेस देन जीरो हो सकता है या फिर साइक्लिक इंटीग्रल डेल टी जीरो हो सकता है अब मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताता हूं यहीं पर ही ये जो दो केस मैंने बताए हैं इसमें से एक केस होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए और दूसरा केस होगा दूसरा पॉसिबल केस होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए हो 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 आर यू क्लियर टिल हेयर बेटा ध्यान से सुनना साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी पॉजिटिव इज इंपॉसिबल तो दो केस बचे दो केस बचे एक बच्चा नेगेटिव वाला एक बच्चा जीरो वाला अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं ये दोनों केस पॉसिबल हैं। और ये जो दोनों केस पॉसिबल हैं, इसमें से एक होगा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए और दूसरा होगा इंटरनली इन साइकिल के लिए आई होप एंडलियर यहां तक सब लोग क्लियर हैं यहां, आ हो, हो, आ बट वो वो मुझे बताने दो अभी अभी उस पर मत जाओ कौन सा किस मैं मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको देखो रटवाता तो हर कोई बाबा रटवाता तो हर कोई है मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव वाला इस केस के लिए क्यों है इक्वल टू जीरो वाला इस केस के लिए क्यों है आपको पूरी चीज समझ में आएगी अब ध्यान से सुनना बेटा अब ध्यान से सुनना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल बेटा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल वो साइकिल होती है जिसको आप रिवर्स कर सको रिवर्स कर सको मान लो मान लो साइकिल क्लॉकवाइज है लटा सपोज साइकिल इज अ क्लॉगवाइज साइकिल क्लॉकवाइज है आप उसको रिवर्स कर सको साइकिल को एंटी क्लॉगवाइज कर सको ध्यान से सुनना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल

जो भी क्वांटिटीज हैं नेटवर्क इंट्रैक्शन नेट हीट इंट्रैक्शन इनके मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे इनके मैग्नीट्यूड तो वही रहेंगे बस उनके साइन चेंज हो जाएंगे अरे आपने डायरेक्शन चेंज कर दी ना वट यू हैव डन इज़ पहले मान लो कोई साइकिल क्लॉक वाइज थी आपने उसे एंटी क्लॉक वाइज कर दी तो होगा क्या सिर्फ एक फ़र्क पड़ेगा जो भी क्वांटिटीज पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी जो भी क्वांटिटीज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी बस उतना ही फर्क पड़ेगा बाकी मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम अब बेटा ध्यान से सुनना इसको पढ़ो ध्यान से इफ द कंबाइंड सिस्टम इज ऑपरेटिंग इन इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल देन ऑल द क्वांटिटीज विल हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन इन रिवर्स साइकिल अगर आपने साइकिल रिवर्स कर दी तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हैपन साइन विल चेंज देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं देखो

मान लो मेरे पास नॉर्मल साइकिल है है ना सपोज आई एम हैविंग द नॉर्मल साइकिल अब बिल्कुल ध्यान से सुनना लेट मी से इन दिस नॉर्मल साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी इज माइनस एक्स माइनस एक्स फॉर अ साइकिल अंडरगोन बाय द कंबाइंड सिस्टम लेट मी से नेट वर्क इंट्रैक्शन इज माइनस एक्स सो वट विल बी इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी वन बाई टी एच इंटू माइनस एक्स अब ध्यान से देखना बेटा टी एच इज द टेम्परेचर ऑफ अ कॉन्स्टेंट एंड ऑफकोर्स टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना सो बेसिकली टी एच इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट टीएच जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है सो नेगेटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट लटमी से आई एम गेटिंग सम टर्म लखमी से माइनस वाई अफकोर्स किसी ने मना नहीं किया इंटीग्रल साइक् इंटीग्रल डब्ल्यू सी कैन बी नेगेटिव नेगेटिव एक्स आई एम गेटिंग नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब ध्यान तो सुन दब मैं अगर इस साइकिल को रिवर्स करूं देखते हैं क्या होता है अरे नॉर्मल साइकिल में तो सब कुछ फिट है नो प्रॉब्लम नॉर्मल साइकिल में एवरीथिंग इज फाइन साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी कैन बी नेगेटिव एंड आई एम गेटिंग साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई नेगेटिव फाइन नो प्रॉब्लम लेकिन एक बार रिवर्स करके देखना नाउ आई एम ऑब्जर्विंग फॉर रिवर्स साइकिल नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन रिवर्स साइकिल मैग्नीट्यूड्स विल रिमेन सेम ओनली साइन विल चेंज ओ माई गॉड यहां पे क्या हो गया अरे बाबा जैसे ही साइकिल रिवर्स हुई ये नेगेटिव एक्स क्या हो गया again, again, cycle, अरे बाबा पॉजिटिव एक्स और अगेन अगेन इन रिवर्स साइकिल कैलविन प्लैंक स्टेटमेंट इज गेटिंग वायोलेटेड बिकॉज साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू सी कैन नॉट बी पॉजिटिव अरे नॉर्मल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइन साहब ने बोला चला लो चला लो कोई प्रॉब्लम प्लैंक ने बोला चला लो चला लो चला लो नो प्रॉब्लम बट द मूवमेंट साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल मतलब रिवर्स किया जा सकता है और जैसी रिवर्स हुआ खत्म कहानी खत्म कहानी रे बाबा दिस इज इंपॉसिबल दिस इज इंपॉसिबल और अगर ये इंपॉसिबल हुआ तो ध्यान से देखना वन बाई टी एच प्लस एक्स हेयर यूल बी गेटिंग सम प्लस वाई ये इम्पॉसिबल हो गया सर तो क्या करें क्या करें एक और तरीका है ना एक और तरीका है ना जीरो वाला जीरो वाला मान लो मान लो ऐसा हो जाए मान लो ऐसा हो जाए नॉर्मल साइकिल में साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी हो जाए शून्य तो बेटा यहां से साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाय टी विल बी व्हाट वन बाय टी एच विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू शून्य व्हाट आई एम गोइंग टू गेट जीरो रिवर्स में देख लो रिवर्स में देख लो अगर मैं इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल को रिवर्स कर दूं फॉर रिवर्स साइकिल अरे रिवर्स करोगे तो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो हो जाएगा वही होगा है तो जीरो ही तो रिवर्स साइकिल में पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो हो गया है तो जीरो ही साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी विल बी 1 by th into sunya again sunya. Yani ki, this is getting satisfied. This is getting satisfied. That means, that means what? For internally reversible cycle, cyclic integral. डेल क्यूबाइटी इज सुनिया सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज इन रिवर्स साइकिल दिस नेगेटिव इज बिकमिंग पॉजिटिव विच इज इंपॉसिबल इन रिवर्स साइकिल ऑफ द इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल अगर मैं इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल को रिवर्स वे में करूं तो साइकिल इंटीग्रल डेल क्यूबाइटी इज कमिंग पॉजिटिव विच इज इंपॉसिबल बेटा बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई दिस इज इंपॉसिबल तो याद रखना इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल में साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू टी शून्य यहां तक क्लियर है सब लोग हर्ट का सिंबल बना देंगे रे बाबा इफ यू पीपल आर क्लियर टिल हेयर हट का सिंबल हो जा रे बाबा बेउठे मजा 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 एक्सीलेंट <laughs> है रे बाबा अब ध्यान से देखना आपको इंटरनली इिवर्सिबल के लिए भी दिखाता हूं अभी ये जो भी डिस्कशन हुआ था ये जो भी डिस्कशन हुआ था वो इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए हुआ था रे बाबा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल के लिए हुआ था रे बाबा है ना अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं इंटरनली इिवर्सिबल साइकिल के लिए के लेटमी टॉक अबाउट नॉर्मल साइकिल इंटरनली इन रिवर्सिबल साइकिल एंड इट इज ऑपरेटिंग इन नॉर्मल मोड लेटमी से साइक्लिक इंटीग्रल डलडबी इज नेगेटिव बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसका मतलब क्या हो गया साइक्लिक इंटीग्रल नेगेटिव नेगेटिव एक्स लिख देता हूं मान लो दिस इज ए नेगेटिव एक्स सो व्हाट विल बी साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी वन बाय टी एच विच इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू नेगेटिव एक्स सो इट विल बिकम नेगेटिव वाई यस हंड्रेड परसेंट टिल हेयर एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड नाउ चंपू विल बी सेइंग सर रिवर्स साइकिल सर रिवर्स साइकिल में तो फेल हो जाएगा सर रिवर्स साइकिल में तो फेल हो जाएगा सर इन रिवर साइकिल इन रिवर साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी विल बिकम पॉजिटिव देखो चंपू क्या बोल रहा है चंपू सिंह सर इन रिवर्स साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू सी विल बिकम पॉजिटिव ना सर सो साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाय टी वन बाय टी एच पॉजिटिव एक्स इट विल बिकम अरे चंपा चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपा माई साइकिल इज इंटरनली इिवर्सिबल साइकिल रिवर्स नहीं कर सकते हैं बाबा चंपो चंपू यू कैन नॉट रिवर्स द साइकिल तो जब आप रिवर्स नहीं कर सकते हो वेन यू कैन नॉट रिवर्स दिस विल नॉट कम इन द पिक्चर ये नहीं आएगा अरे बाबा चंपू वट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीनिंग इज हो मीनिंग इज द कंक्लूजन इज फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाय टी विल बी नेगेटिव आर यो खेलिया योर खलियर बोलो रे बाबा ओ हो हो मजा 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 वॉट अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट रे बाबा वॉट अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट रे बाबा यहां तक सब लोग क्लियर हैं जल्दी से बोलेंगे रे पापा तो बेटा एक चीज ध्यान से सुन लेना एक चीज ध्यान से सुन लेना क्लॉसियस इन इक्वेलिटी अब कंक्लूजन सुन लो जो लोग लेट आए हैं कंक्लूजन सुन लो ध्यान से दोज हु केम लेट लिसन द कंक्लूजन केयरफुली फर्स्ट कंक्लूजन क्लॉसियस इन इक्वेलिटी Is valid for cycle only. Don't try to apply for process. Cyclic process is valid. Hai re, Whatever the Clausius inequality I have discussed, that is valid for cycle only. Look at here. You are calculating cyclic integral del Q by T. देर कैन बी थ्री केसेस तीन केस हो सकते हैं रे बाबा वेन यू आर कैलकुलेटिंग साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यूबाइटी देर कैन बी थ्री केसेस केस नंबर वन दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव द मूमेंट यू आर से पॉजिटिव द मूमेंट यू आर सींग पॉजिटिव सेम्पॉसिबल और अरे बोर्ड चंपू नहीं होना है रे बाबा इट इज इंपॉसिबल इट इज इंपॉसिबल इम्पॉसिबल साइकिल ऐसी साइकिल इम्पॉसिबल साइकिल है जिसके लिए साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू टी पॉजिटिव आ जाए ग्रेटर देन आ जाए हां अगर शून्य आ गया यस ब्यूटिफुल साइकिल है रे बाबा इससे बढ़िया कोई साइकिल हो ही नहीं सकती साइकिल पॉसिबल है और पॉसिबल होने के साथ साथ इंटरनली रिवर्सिबल भी है रे बाबा और अगर नेगेटिव आ जाए डेल क्यू टी बाई नेगेटिव आ जाए तो साइकिल पॉसिबल है थोड़ी सी खराबी है बाबा कुछ तो इरिवर्सिबिलिटी है साइकिल में कुछ तो लॉसेस हैं, सो साइकिल विल बी व्हाट? इंटरनली साइकिल। तो बेटा याद रखना इसलिए आपने देखा होगा जब भी आपने बुक्स में क्लॉसियस इनइक्वालिटी को पढ़ा होगा आपने ऐसे ही पढ़ा होगा साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो है ना ऐसा पढ़ा होगा ना आपने दिस इज योर दिस इज योर क्लॉसियस इन इक्विलिटी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इक्वल पार्ट इज फॉर इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल एंड दिस पार्ट लेस देन पार्ट इज फॉर इंटरनली irreversible साइकिल बेटा कंफर्म कर दो यहां तक बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर है होपईड एवरीवन इज क्लियर टिल हि अब देखना बेटा अब अब एक ऐसा हथियार बता दू एक ऐसा हथियार बता दूं कि आपको समझ में आ जाएगा क्लॉसिस इनक्लूटिंग कब लगानी है गेट में बेटा याद रखना याद रखना जब भी आपको जब भी आपको कोई साइक्लिक डिवाइस दिया है एग्जाम में अब देखो बेटा एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं दिस इज कॉल्ड ब्रह्मास्त्र इसको लगा देना इसको लगा देना ब्रह्मास्त्र क्या है आप सुन लो ध्यान से वेन एवर एग्जामिनर इज गिविंग साइक्लिक डिवाइस इन द क्वेश्चन जब भी एग्जामिनर ने साइक्लिक डिवाइस दे दिया क्वेश्चन में एंड मोर देन टू थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स आर इन्वॉल्व तो क्लॉसेस इन इक्विटी यूज करनी है सर नहीं समझ में नहीं आया नहीं समझ में आया देखो बेटा अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था We have discussed heat engine with two thermal energy reservoirs. There is a source which is supplying the heat to the heat engine. Some part of the heat is getting converted into work, remaining is getting rejected to the sink. Right? Remaining is getting rejected. So, two thermal energy reservoirs are source and sink. Let us suppose I am having a heat engine. च इज टेकिंग द हीट फ्रॉम टू थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स एंड रिजेक्टिंग द हीट टू अंक तो टोटल कितने थर्मल एनर्जी रिजर्वर हो गए दो सोर्स हैं दो सोर्स हैं देर आर टू सोर्सेस देर आर टू सोर्सेस सोर्स वन सोर्स टू सिंक देर आर टोटल थ्री थर्मल एनर्जी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए वेन एवर यू आर हैविंग सच क्वेश्चन वेअर मोर देन टू थर्मल एनर्जी रिजर्वर्स आर इन्वॉल्व

यहां तक क्लियर है बेटा क्लियर टिल फिर मैं बताऊंगा आपको गेट में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन अगर आपको यह क्लियर है तो फिर मैं बताऊंगा आपको गेट में कैसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं बेटा दीज आर द न्यू बैचेस विच वी स्टार्टेड रिसेंटली

नाउ बेटा वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट सिक्स मंथ कोर्सेज एक्सेलरेट फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिस इज द न्यू सीरीज सिक्स मंथ बैचेस तो जिनको आप लास्ट टाइम पे एक्सेलरेट करनी है अपनी प्रिपरेशन को वो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सेलरेट बैच फॉर गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू आई विल बी टेकिंग द क्लासेज इन दीज बैचेज ऑल्सो एक और चीज बेटा मेरा अन प्लस पर नया कोर्स लॉन्च हो रहा है ंग द न्यू कोर्स ऑनअमी प्लस डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोनॉमिक फॉर गेट मैकेनिकल एंड एक्सी है ना नया बैच स्टार्ट हो रहा है नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है तो बेटा जिसको भी ज्वाइन करना अन अकेडमी प्लस ज्वाइन कर लो बिकॉज लेटमी टेल यू फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड डेट आ चुकी है बेटा फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई देर विल बी अ फी हाइक ऑफ सेवन पॉइंट टू फाइव परसेंट यस, yes. डेट आ चुकी है 22 तारीख से 22 तारीख अर्ली मॉर्निंग से फी हाइक हो जाएगी डेट मीन इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन 21 जुलाई रात 12 बजे तक ज्वाइन कर लेना है ना तो मैं थोड़ा सा डिटेल देता हूं अपने ए के कोर्स का एज आई टोल्ड यू वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दैट इज वेडनस इन दिस ए टी डी कोर्स आई विल बी कवरिंग द सिलेबस ऑफ गेट एक्सी मैकेनिकल बोथ टाइमिंग्स विल बी एट थर्टी पी एम टू इलेवन पी एम ओके चलो अब मैं बताता हूं आपको गेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे नाउ लेट मी टेल यू हाउ दे विल बी आस्किंग द क्वेश्चन इन गेट एग्जामिनेशन ओके सो आई एम डिस्कसिंग टाइप वन टाइप वन बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा टाइप वन इन दिस टाइप वन दे विल बी गिविंग यू साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू दे विल बी गिविंग यू साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी एंड दे विल बी आस्किंग यू व्हाट इज द डिवाइस एंड नेचर ऑफ द डिवाइस डिवाइस They will be asking you what is the device, what is the device and nature of device. They will be asking you about the let me write properly cyclic device. They will be asking you about the cyclic device and the nature of cyclic device. फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा एक एक प्रॉब्लम बना ही देता हूं आप लोगों के लिए मान लो ये दे दिया साइक्लिक इंटीग्रल दियाग्रल क्यू इज पॉजिटिव एंड साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाई टी इज नेगेटिव ऐसा दे दिया दे विल बी आस्किंग यू वट इज द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ साइक्लिक डिवाइस आप कैसे बताओगे बेटा एग्जाम में एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे बताओ चलो मैं आपको हिंट देता हूं मुझे ये बताओ पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है फटाफट से बताओ कितने लोगों समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानिक्स फॉर अ साइकिल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडानिक फॉर अ साइकिल साइक्लिक इंटीग्रल ऐसे तो लिखते थे अरे चंपू चंपू क्या लिखते थे हम बाबा समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू ना चंपू व्हाट इज समेशन क्यू ये समेशन क्यू क्या है रे बाबा चंपू व्हाट इज़ समेशन क्यू समेशन क्यू इज बेसिकली साइक्लिक इंटीग्रल ना साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्लू इफ साइक् इंटीग्रल डेल क्यू इज पॉजिटिव 100% परसेंट साइक्लिक इंटीग्रल डेल डब्ल्यू इज आल्सो पॉजिटिव तो बेटा ये बताओ पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस है या पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस है अरे इफ द नेटवर्क आउटपुट ऑफ द साइकिल इज अ पॉजिटिव पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल डिवाइस और पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस पावर प्रोड्यूसिंग साइक्लिक डिवाइस और पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइस अरे इफ द नेटवर्क आउटपुट इज अ पॉजिटिव if the network output is positive power producing cyclic device or power consuming power producing i'm having power producing cyclic device maybe some heat engine basically heat engine power producing cyclic device means what heat engine only na अच्छा अब सुनना ध्यान से बेटा इफ साइक्लिक इंटीग्रल डेल टी इज लेस देन जीरो इफ साइक्लिक इंटीग्रल डेल टी इज लेस देन जीरो आई एम हैविंग इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल और इंटरनली इन रिवर्सिबल साइकिल अरे अभी तो बताया था इफ क्वेश्चन में दिया है ना साइक्लिक इंटीग्रल डेल इज लेस देन जीरो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मीनिंग ऑफ दिस इज आई एम हैविंग इंटरनली इिवर्सिबल साइकिल तो बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है अगर मुझे कमेंट करना है वट इज द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ द साइक्लिक डिवाइस क्या मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग इंटरनली इिवर्सिबल हीट इंजन आई एम हैविंग इंटरनली इिवर्सिबल हीट इंजन ये कितने लोगों समझ में आ गया अब देखो बेटा एक चीज और ध्यान से सुनना मुझे पता है कुछ लोगों के दिमाग में यह चुबरा होगा देर आर फ्यू स्टूडेंट हु सर 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 ऐसा कैसे हो सकता है सर चंपू जासीन सर 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 हाउ इज पॉसिबल सर सर साइक्लिक इंटीग्रल क्यू इज अ पॉजिटिव सर साइक्लिक क्यू डलू टी इज नेगेटिव सर ये कैसे पॉसिबल है सर है ना है ना ध्यान से सुनना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ध्यान से सुनना आपको समझ में आ जाएगा Let us suppose I am having a cycle which is 1, 2, 3, 1. There are 3 processes in the cycle. There are 3 processes in the cycle 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Whatever the heat interaction I am having, I am writing here, right, and whatever the integration. Del Q by T, I am having for the process, I am writing here. Let me say heat interaction for the process 1 to 2 is plus 2. Let me say this is plus 0.1. Let me say heat interaction for the process 2 to 3 is minus 5. Let me say integral. सॉरी हाँ इंटीग्रल डेल क्यू टी फॉर द प्रोसेस टू टू थ्री इज माइनस पॉइंट फाइव मी से क्यू हीट इंट्रैक्शन फॉर द प्रोसेस थ्री टू फोर इज प्लस एट मी से दिस इज प्लस पॉइंट टू एक बार थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं रे बाबा इफ आई एड ऑल द हीट इंट्रैक्शन ऑफ द Processes involved in cycle, what I am getting? Cyclic integral del Q. How much I am getting? 2 minus 5, minus 3, minus 3, plus 8, plus 5. How much I am getting? If I add all the integrals del Q by t of the processes, I will be getting cyclic integral del Q by t. मच आई एम गेटिंग प्लस पॉइंट वन माइनस पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फोर माइनस पॉइंट फोर प्लस पॉइंट टू ओ माई गॉड बात समझ में आ गई यहां तक क्लियर है हा थ्री टू वन थ्री टू वन यहां तक क्लियर है बेटा बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई करन बेटा बात क्लियर है यहां तक आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल चलो अगले क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग रे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन अब आप लोग आंसर करना सपोज साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू इज लेस देन जीरो एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाय टी इक्वल टू जीरो बताओ बेटा वट कैन यू कमेंट वट कैन यू कमेंट ऑन द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ साइक्लिक डिवाइस फटाफट करते चैट बॉक्स में फटाफट टाइप करते चैट बॉक्स में वट कैन यू कमेंट अबाउट द साइक्लिक डिवाइस एंड नेचर ऑफ द साइक्लिक डिवाइस साइक्लिक इंटीग्रल डेलक्यू इज लेस देन जीरो नेगेटिव साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाइट सूनिया वट कैन यू कमेंट लुक एट हेयर Cyclic integral del Q is equal to cyclic integral del W. That means what? If cyclic integral del Q is negative, cyclic integral del W is also negative. Power producing cycle or power consuming cycle? Power consuming cycle. Cyclic device is a power consuming cyclic device. Power consuming power consuming cyclic device power consuming cyclic device may be some refrigerator either it may be refrigerator or heat pump na or heat pump

साइक्लिक डिवाइस के बारे में तो क्या मैं बोल सकता हूं आई एम हैविंग इंटरनली रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर और और यू कैन से आई एम हैविंग इन दोनों में आप डिफ्रेंसिएट नहीं कर पाओगे इंटरनली बिकॉज बोथ आर पावर कंज्यूमिंग साइक्लिक डिवाइसेस ना इंटरनली रिवर्सिबल हीट पंप एनिवेज क्वेश्चन में दोनों वो एक साथ देगा भी नहीं आर यो क्लियर टिल अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा फोड़ दोगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे रे पापा। बोलो रे पापा। बोलो रे पापा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फोड़ देंगे रे पापा। यस इंटरनली रिवर्सिबल पावर कंज्यूमिंग साइकिल डिवाइस मे बी मे बी रेफ्रिजरेटर और मे बी हीटपंप यस यस चंपो क्वेश्चन है रे पापा। बेटा एक चीज और सुनना एक चीज और सुनना कल मैं सोच रहा हूं देखो कल इवनिंग में मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको क्यों ट्रैवलिंग कर रहा हूं आप ही लोगों के लिए ट्रैवलिंग कर रहा हूं टुमारो इवनिंग आई एम ट्रैवलिंग सो आई कैन नॉट टेक द क्लास टुमारो एट फाइव फिफ्टी पीएम तो क्या किया जाए क्लास कैंसिल कर दी जाए जल्दी से बताओ कल की क्लास कैंसिल कर दी जाए कल की क्लास कैंसिल कर दी जाए कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए ंग फॉर यू पीपल क्यों कर रहा हूँ उसके लिए मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा सा सरप्राइज है आप लोगों के लिए देर इज अटिल सरप्राइज फॉर यू पीपल टूम फिफ्टी पी एम आई विल बी ट्रैवलिंग सो आई कैन नॉट टेक द क्लास तो कैंसिल कर दी जाए नो 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 नहीं की जाए तो कल की क्लास कल ही खत्म करें कल की क्लास कल ही खत्म करें जल्दी से बताओ कल मॉर्निंग एलेवन ओ इज फाइन मॉर्निंग एलेवन ओ क्लाक मिलेंगे मॉर्निंग एलेवन ओ क्लाक मिलेंगे देखो अगर आप सब आओगे जितने लोग अभी लाइव हैं अगर मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो तभी मैं करूंगा नहीं तो मुझे कोई ये नहीं है जल्दी से बताओ टुमारो इलेवन ए सब लोग फटाफट से बोल दो प्रॉमिस है सर कल सुबह ग्यारह बजे लाइव आ जाएंगे प्रॉमिस ऐसे नहीं ऐसे नहीं, नहीं प्रॉमिस 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 टाइप करो रे बाबा ऐसे ओके okay, फाइन नहीं ये ये सब गर्लफ्रेंड को बोलना ओके okay, फाइन यहां ऐसे नहीं चलेगा प्रॉमिस 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 आई विल बी कमिंग लाइव एट इलेवन ए एम तो मैं क्लास लेता हूं हा ये देखो यस अजॉय यस अजॉय बोल रहा बिल्कुल प्रॉमिस रेसिंग सिंह yes. यस फाइटर गैंग इज सिंह यस 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 saying इज Aniket अनिकेत saying promise, चलो ठीक है बहुत बढ़िया डंडन है, है। कल तो फिर promise डे हो गया कल तो promise डे हो गया अरे बाबा सपत ले ली भाई भैयाकूब ने तो आई सपत मैं present रहूंगा eleven o'clock, चलो ठीक है देन मैं रात को PPT ready रेडी कर लूंगा थोड़ा रात को बैठना पड़ेगा मुझे बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेवन ओ मेरी प्लस की क्लास खत्म होगी उसके बाद रात को एक डेढ़ घंटा बैठकर आपके लिए बढ़िया सी टिपड़ी बनाते हैं कल झमाझम जम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन लोग ठीक है कल अपन लोग झमाझम जम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं धोखा मत देना रे बाबा कारण धोखा मत देना रे बाबा हाँ ये 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 ये, ये, ये जिन्होंने प्रॉमिस करके पीछे उंगली ऐसे क्रॉस की हुई है वो 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 वाला प्रॉमिस नहीं रहे बाबा ये पक्का वाला प्रॉमिस है <laughs> चलो चलो अब देखो बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन ये तो आपको समझ में आ गए अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे अब देखना बेटा सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैकेनिकल वाले <laughs> देखो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैंने अभी तक आपको दो एग्जांपल दिए है ना टाइप वन में एक एग्जाम्पल ये वाला हो गया एक एग्जाम्पल ये वाला हो गया चलो अब बात करते हैं टाइप टू के क्वेश्चन है ना टाइप टू के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रे बाबा टाइप टू इन टाइप टू दे विल बी गिविंग यू Q1, they will be giving you T1, they will be giving you Q2, they will be giving you T2, they will be giving you Q3, they will be giving you T3. And it will be given in the question all the heat interactions are externally reversible heat interactions all the heat interactions are externally reversible heat interactions and they will be asking you identify the cyclic device they will be asking you identify the cyclic device and nature of cyclic device देखो पिछला वाला एग्जामिनर तो बहुत ही शरीफ एग्जाम लास्ट टाइप वन एग्जामिनर काइंड हार्टेड एग्जामिनर लाइक मी जो लास्ट टाइम का एग्जामिनर था बहुत ही काइंड हार्टेड एग्जामिनर था रे बाबा जैसा मैं हूं ना काइंड हार्टेड वैसे ही लेकिन ये जो टाइप टू वाला एग्जामिनर बहुत ही खड़ूस एग्जामिनर है

एंड क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आर द हीट इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद द रिजर्वास टी वन टी टू एंड टी थ्री मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आप ध्यान से समझना एक डायग्राम के साथ समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा बड़ा ध्यान से सुनना लड़स सपोज आई एम हैविंग अ साइकिल डिवाइस मेरे को इसी साइक्लिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना, करना है इसका नेचर आइडेंटिफाई करना है लेट मी से दिस साइक्लिक डिवाइस इज रिसीविंग द हीट क्यू वन फ्रॉम द थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हैविंग टेम्परेचर टी वन मी से this cyclic device is receiving this cyclic device is receiving the heat Q2 from another thermal energy reservoir which is which is at temperature t two. And let me say this cyclic device is rejecting the heat Q3 to some reservoir which is having temperature T3 is equal to constant. बेटा यहां पर बहुत ध्यान से सुनना यहां पर बहुत ध्यान से सुनना वेदर द साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और पावर कंज्यूमिंग साइकिल पहले वो देख लेते हैं फिर रिवर्सिबल इसिबल की बात करेंगे लेट अस फर्स्ट चेक वेदर द साइकिल इज अ पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल और पावर कंज्यूमिंग साइकिल तो उसके लिए आप क्या करोगे देखो बेटा यू नो नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू Network interaction cyclic integral del q is equal to cyclic integral del w, or I can write in this way cyclic integral del w is basically cyclic integral del q. So, 100 percent cyclic integral del w will be integral del q for first heat interaction, integral del q for second heat interaction integral del Q for third heat interaction. So, cyclic integral del W. What is the integral del Q for the first heat interaction plus Q 1. What is the integral del Q for the second heat interaction plus Q 2. What is the heat interaction integral del Q for the third heat interaction? माइनस क्यू थ्री अब बेटा यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा मुझे सिर्फ एक चीज बताना बेटा दो के साथ मैंने देखो क्यू वन क्यू टू के साथ मैंने पॉजिटिव साइन लगाया क्यू थ्री के साथ मैंने नेगेटिव साइन एनी वन इन द क्लास कैन टेल मी वाई जब मैंने क्यू वन क्यू टू लिखा मैंने पॉजिटिव साइन लगाया और जब मैंने Q3 लिखा नेगेटिव साइन लगाया क्यों क्यों? वाई वट इज द रीजन वट इज द रीजन बेटा वट इज द रीजन ऐसा मैंने क्यों किया हा बिकॉज क्यू वन एंड क्यू टू आर द हीट सप्लाइड क्यू वन एंड क्यू टू आर द हीट सप्लाईड टू द साइक्लिक डिवाइस एंड क्यू थ्री इज द हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द साइक्लिक डिवाइस ये बात समझ में आ गई ये बात समझ में आ गई

दैट मीन्स आई एम हैविंग हीट इंजन एंड इफ इट इज कमिंग लेस देन जीरो दैट मीन्स आई एम हैविंग पावर कंज्यूमिंग साइकिल डिवाइस मीन्स आई एम हैविंग रेफ्रिजरेटर आई एम हैविंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप आई एम हैविंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप यहां तक सब लोग क्लियर हैं यह तो पता चल गया अगर इस तरीके का कुछ है तो जो जो हीट सप्लाइड है उनको पॉजिटिव में ले लेना जो जो हीट रिजेक्टेड है उनको नेगेटिव में ले लेना ले अगर साइक्लिक इंटीग्रल डल डब्ल्यू पॉजिटिव आ जाए इफ इट इज कमिंग पॉजिटिव आई एम हैविंग पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल डिवाइस आई एम हैविंग पावर कंज्यूमिंग साइकिल डिवाइस एम हैविंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है ना ठीक है ठीक है अगर जीरो आ गया तो ना तो पावर प्रोड्यूसिंग है ना पावर कंज्यूमिंग है अरे जीरो आ गया तो ना तो, अरे जीरो का मतलब क्या है ना तो पावर कंज्यूम कर रहा है ना पावर प्रोड्यूस कर रहा है अरे इफ नेटवर्क आउटपुट इज शून्य ये या तो ना तो हीट इंजन है ना ही रेफ्रिजरेटर है ना ही हीट पंप है बात खत्म है ना अब ध्यान से सुनना बेटा नाउ लेट अस सी वेदर इट इज वेदर इट इज इंटरनली रिवर्सिबल और इन तो उसके लिए आप क्या करेंगे देखना ध्यान से

ये पहले वाले के लिए लिखा है पहले हीट इंट्रैक्शन के लिए ये दूसरे के लिए ये तीसरे के लिए बेटा एनी वन इन द क्लास इज एबल टू अंडरस्टैंड किसी को ये चीज समझ में आ रही है यहां पे भी चाहे वन टू थ्री लिख लो वट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल वट देखो क्वेश्चन में दिया है ना ऑल द हीट इंट्रैक्शन आर एक्सटर्नली रिवर्सिबल हीट इंट्रैक्शन मतलब मतलब क्या है देखो बेटा ध्यान से सुनना ये जो टी है दिस टी इज द टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस वन दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द हीट एडिशन प्रोसेस टू दिस इज द टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन प्रोसेस सोर्स सोर्स और सिंक के टेम्परेचर नहीं है बट Since since the process is externally reversible process, Q process externally reversible process hai. So this temperature of heat addition for the process one will be T1. This temperature of heat addition process will be T2, and this temperature of heat rejection process will be T3. Jovi temperature हीट आ रही है जिस भी सोर्स से हीट आ रही है अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल द हीट इंट्रैक्शन शुड टेक थ्रू द वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लीजिएबल टेम्परेचर डिफरेंस तो जो सोर्स का टेम्परेचर है वही हीट सप्लाई प्रोसेस का टेम्परेचर होना चाहिए जो भी सिंक का टेम्परेचर है वही हीट रिजेक्शन प्रोसेस का टेम्परेचर होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम So for the first heat addition process, this T will be equal to T1. For the second heat addition process, T will be T2. For this third process of heat rejection, T will be T3. These are the temperature of thermal energy reservoirs. Temperature of thermal energy reservoirs are constant or variable? They are constant. So I can take it out of the integration. Cyclic integral del Q by T is what? One by T1. Integral del Q for the process 1 plus 1 by T2 integral del Q for the heat interaction process 2 plus 1 by T3 integral del Q for the heat interaction process 3. So, what I am getting? Integral del Q by T is equal to what? Integral del Q for the process 1 is Q1. प्लस क्यू वन ना क्यू वन बाय टी वन इंटीग्रल डल क्यू फॉर द प्रोसेस टू विल बी व्हाट प्लस क्यू टू सो प्लस क्यू टू बाय टी टू इंटीग्रल क्यू फॉर द प्रोसेस थ्री विल बी व्हाट माइनस क्यू थ्री सो माइनस क्यू थ्री बाय टी थ्री इसकी वैल्यू निकाल लेना बेटा इसकी वैल्यू निकाल लेना अगर यह पॉजिटिव आ गया तो कहानी खत्म हो गई इंपॉसिबल साइकिल हो गई रे बाबा और अगर ये इक्वल टू जीरो आ गई बल्ले बल्ले है रे बाबा बल्ले बल्ले है रे बाबा इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल हो गई और अगर ये नेगेटिव आ गई तो साइकिल विल बी इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल आर योर टिल गॉड व्य हो आई होप ईच एंड एवरी वन इज क्लियर आई होप ईच एंड एवरी एक बच्चा अब देखो कुछ लोग चंपू होंगे कुछ लोग चंपोंगे सोर ओगोर एक्सटर्नली रिवर्सिबल नहीं दिया ऐसा फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं क्यों नहीं बनेगा फिर आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे ना तो सिंपलीफाई करना बहुत मुश्किल है थैंक यू सो मच बेटा सागर थैंक यू सो मच मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है रे बाबा व्हेन आई एम राइटिंग व्हेन आई एम राइटिंग ऑन स्क्रीन आई एम वेरी रेस्पॉन्सिबल क्योंकि मुझे पता है जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं देर आर सो मेनी नेगी सोल्जर्स हु आर गोइंग टू यूज द पी डी तो मुझे पता है कि मुझे नीट एंड क्लीन एक यहां 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 ऐसा ऐसा लिख दूं और पता चला बाद में नेगी सोल्जर्स बोल रहे सर ने पढ़ाया तो अच्छा था पीडीएफ भी अच्छी दे दी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता मौका नहीं दूंगा बेटा ये प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस है जब ये बोर्ड लगा था इतनी मेहनत की गई है कि आपके पास आउटपुट मिले तो शानदार आउटपुट हो ब्यूटिफुल आउटपुट होना चाहिए रस ये दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपके पास वो पीडीएफ जाए तो आपको पढ़ने में मजा आ जाए है ना यस वाठ है कि नहीं तो मजा आना चाहिए ना पढ़ने में इंटरेस्ट तो तभी जागता है जब मजा आता है यस अब बेटा एक चीज और बता दूं आपको एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बता दूं क्या बता दूं क्या किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में बता दूं क्या आप लोगों को किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आ मजा 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 एक और टाइप का क्वेश्चन आएगा और मैं बता रहा हूं बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार क्लॉसियस इन से गेट में क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार क्लॉसियस इन से गेट में क्वेश्चन आए तो बेटा तीसरा अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है सुन के जाना है ना सुन के जाना ध्यान से देख लो टाइप थ्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप थ्री वेरी 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 इंपॉर्टेंट वट विल बी द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन सुनना इन द एग्जाम दे विल बी गिविंग यू द रिवर्सिबल हीट इंजन एग्जाम में आपको रिवर्सिबल हीट इंजन गिवन होगा इन द एग्जाम दे विल बी गिविंग यू द रिवर्सिबल हीट इंजन बोल देंगे देर इज अ रिवर्सिबल हीट इंजन एंड दे विल बी गिविंग यू क्यू वन क्यू वन इज द हीट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स विच इज एट टेम्परेचर टी वन दे विल बी गिविंग यू क्यू टू क्यू टू इज द हीट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स विच इज एट टेम्परेचर टी थ्री एंड दे विल बी गिविंग वन सिंक Which is at temperature T3. Ye source hai, source ka temperature hai. This is also the temperature of source. This is the temperature of sink. This heat Q1 is coming out from the source, which is at temperature T1. This heat Q2 is coming out from the source, which is at temperature T2, and they have given some sink temperature. अब एग्जाम में वो तीन क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत ही बहुत ही काइंड हार्टेड एग्जामिनर होगा इफ द एग्जामिनर इज वेरी 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 काइंड हार्टेड ही विल बी आस्किंग यू फाइंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। फाइंड क्यू थ्री थोड़ा सा खड़ूस होगा थोड़ा सा खड़ूस होगा ही विल बी आस्किंग यू फाइंड नेटवर्क आउटपुट फाइंड नेटवर्क आउटपुट ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन बेसिकली ही इज आस्किंग चाहे समेसन डब्ल्यू लिख लो या फिर इंटीग्रल डल डब्ल्यू लिख लो ये पूछ रहा है और महाखड़ूस होगा तो इफ द इफ द एग्जाम्पल इज महा 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 ही विल बी आस्किंग यू फाइंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन बेटा याद रखना द मूमेंट ही इज गिविंग इन द क्वेश्चन हीट इंजन इज रिवर्सिबल हीट इंजन द मीनिंग इज साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल दैट मीन्स साइकिल इज इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल तो बेटा ध्यान से सुनना डायग्राम आपको विजुलाइज हो गया ना डायग्राम आपको विजुलाइज हो गया ना देखो डायग्राम कुछ ऐसा है आई होप यू आर एबल टू विजुलाइज जल्दी से बताओ बेटा डायग्राम विजुलाइज कर पा रहे हो दिस इज द रिवर्सिबल हीट इंजन आई होप यू आर एवल टू विजुलाइज द डायग्राम जल्दी बताओ बेटा डायग्राम विजुलाइज कर पा रहेगी सोल्जर्स हैं रे बाबा फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में फोड़ देंगे रे बाबा थर्मो में है ना देखो डायग्राम विजुलाइज कर लो दिस इज क्यू वन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द थर्मल एनर्जी रिजर्वर एट टेम्परेचर टी वन दिस इज क्यू टू विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द थर्मल एनर्जी रिजर्वर एट टेम्परेचर टी टू दिस इज क्यू थ्री एंड सिंक इज एट टेम्परेचर टी थ्री एंड ऑफकोर्स देर विल बी सम नेटवर्क आउटपुट ऑफ द रिवर्सिबल हीट इंजन विच वी आर कॉलिंग एस समेसन डब्ल्यू और साइकिल इंटरगल डल डब्ल्यू पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कैन आई से इफ आई एम हैविंग रिवर्सिबल हीट इंजन साइकिल इज रिवर्सिबल साइकिल इज बोथ इंटरनली रिवर्सिबल आई एम हैविंग इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल एज वेल एज Externally reversible cycle. So, 100 percent cyclic integral del q by t must be Sunya because this is valid for what? Internally reversible cycle. And of course, if the cycle is externally reversible also, then I can write. इन दिस फॉर्मेट राइट बिकॉज अगर साइकिल एक्सटर्नली रिवर्सिबल है सारे के सारे प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं एंड द टेम्परेचर कैन बी टेकन आउट बिकॉज दीज आर द टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेज नाउ और सिंक नाउ Q1 वन T1 टी वन प्लस क्यू टू बाय टी टू माइनस क्यू थ्री बाय टी थ्री इज इक्वल टू शूनिया बेटा यहां से आप निकाल सकते हो ना यू कैन ईजिली फाइंड यहां से तो आप इजिली निकाल सकते हैं आप है ना से निकाल लो क्यू थ्री यहां से इजीली निकल जाएगा ना बेटा फाइंड क्यू थ्री बहुत आराम से निकाल लोगे बहुत इजीली निकाल लोगे आप बहुत इजीली निकाल लोगे अच्छा आप ध्यान से देखना आप ध्यान से देखना सेकंड पार्ट कैसे करेंगे नेट वर्क आउटपुट विल बी व्हाट नेट हीट इंट्रेक्शन और चंपू ये इस यही साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू था रे बाबा सर ये क्या लिख दिया चंपू रे बाबा चंपू रे बाबा चंपो सो नेट वर्क आउटपुट इज व्हाट नेट हीट इंट्रेक्शन क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री डेट सेट डेट सेट डेट सेट आर यो खेलिए टिल हेयर बढ़िया वाटा बेटा महा खड़ूस एग्जामिनर का क्वेश्चन भी कर लेंगे है ना महाखड़ूस एग्जामिनर का क्वेश्चन भी कर लेंगे उसने पूछा है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन बेटा एक चीज बता देना क्या मैं ऐसा ले सकता हूं समेसन डब्ल्यू बाय हीट सप्लाइड व्हाट इज समेसन डब्ल्यू नेटवर्क इंट्रेक्शन इज नेट हीट इंट्रेक्शन क्यू वन प्लस क्यू टू व्हाट इज द टोटल हीट सप्लाइड अरे डायग्राम देखो ना रे बाबा चंपो ये चंपा चंपो रे बाबा चंपो रे बाबा चंपा रे बाबा केयरफुली वट इज दीट सप्लाइड क्यू वन इज दीट सप्लाइड क्यू टू इज दीट सप्लाइडल चंपा वट इज द टोटल हिट सप्लाइड रे बाबा क्यू वन प्लस क्यू टू तो यह आ गया बेटा थर्मल एफिशियंसीबल ही Q1 वन प्लस फटाफट से बता दो बेटा फटाफट से बता दो आर यू है, है रे बाबा ओहो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता जितना बता दिया तीन टाइप बता दी बेटा यहीं से आएगा क्वेश्चन तीन टाइप बता दी अगर आपको तीनों टाइप समझ में आ गए यहीं से आएगा क्वेश्चन देख लो बेटा टाइप वन टाइप वन बी गिविंग यू इंटीग्रल डल क्यू साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू एंड साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इन द एग्जाम विल बी गिविंग यू साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू साइक्लिक इंटीग्रल डल क्यू बाई टी ठीक है

हैविंग द रिवर्सिबल हीट इंजन और टाइप थ्री में ये तीन क्वेश्चन बन सकते हैं the बहुत 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 एक, एक टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं एक एक टॉपिक एक एक टॉपिक पूरा डिटेल पिछले नौ दस साल में जितना भी आप लोगों के लिए पढ़ाकर जो भी सीखा है पढ़कर जो भी सीखा है ये जो आपको मिल रहा है ना ये लास्ट पंद्रह साल की मेहनत है लास्ट पंद्रह साल की मेहनत है पूरा का पूरा आपको निचोड़ के दे दिया है इससे इजी और इससे क्रिस्टल क्लियर कुछ हो नहीं सकता अब मैं बता दूं बेटा यहां से अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूं इसके बाद अभी चार क्लासेस और हैं हो सकता है पांच भी हो जाए मैं बता देता हूं अभी आपकी चार क्लासेस कौन कौन सी हैं एक तो कल है एक तो कल है पी वाई क्यूज ऑन क्लॉसियस इन फटाफट से टाइमिंग बता दो जरा एक बार टाइप करके बॉक्स में फटाफट से कल की क्लास की टाइमिंग बता दो रे बाबा फटाफट से कल की क्लास की टाइमिंग बता दो रे बाबा ये ये एक क्लास है जो कि कल है टाइप कर दो रे पापा टुमारो वी विल बी हैविंग द क्लास मॉर्निंग एलेवन ए एम राइट एक तो ये हो गई दूसरी क्लास होगी इसकी नेक्स्ट माई टेन न्यू क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्लास होगी ई एसई इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन कन्वेंशनल चौथी क्लास होगी ई एस ई ऑब्जेक्टिव ई एस सी एंड सी एस सी और जो पांचवी क्लास होगी अगेन माई टेन न्यू क्वेश्चन बेटा जिसने मेरा सेकंड लॉ पढ़ लिया जितना भी मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया आपको आप कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है नथिंग इससे ज्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है आपको मैं लगभग लगभग 120 130 क्वेश्चन करवा दूंगा सिर्फ सेकंड लॉ के ऑलरेडी 75 फाइव अराउंड हो चुके हैं इन द लास्ट फोर डेज वी हैव सोल्ड अराउंड सेवनटी फाइव लगभग सेवनटी फाइव हो चुके हैं उसकी पीडीएफ भी दे दूंगा आपको पांच क्लासेस और हैं कल लगभग पंद्रह से बीस क्वेश्चन होंगे उसके बाद दस क्वेश्चन होंगे उसके बाद कन्वेंशनल के करीबन दस बारह क्वेश्चन है वो करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे दो घंटे में लगभग क्वेश्चन कर देंगे एक सौ बीस क्वेश्चन कर देंगे उसके बाद माई टेन न्यू क्वेश्चंस कर लेंगे दस बढ़िया वाले तो मैं ये ई ऑब्जेक्टिव को काउंट नहीं कर रहा हूं आई एम नॉट काउंटिंग ई ऑब्जेक्टिव ठीक है के बाद आपको कुछ और जरूरत नहीं है धुरंधर फैकल्टी हो आप। <laughs> अब आपको कुछ नहीं करना सर वी वॉन्ट टू लर्न फुल थर्मोनॉमिक फ्रॉम यू बेटा, मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को देखो मैं पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को आप बस अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो आप लोग अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप के क्वेश्चंस वाली का पीडीएफ नहीं मिला मैं भेज दूंगा आज मैं भेज दूंगा है ना? अरे मैं वही तो बोला नेक्स्ट चैप्टर से पहले ये पांच क्लासेस है ना रे बाबा नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर ए वाला पार्ट करवा दो तो अभी आपके साथ डिस्कशन हो जाएगा जो भी आप लोग बोलोगे वो कर लेंगे है ना वो कर लेंगे जो भी आप बोलोगे नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ा दूंगा यार देखो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहां पर खड़ा हूं तो आप उसकी चिंता मत करो ठीक है बस आप लाइव अटेंड करो और लिंक को फॉरवर्ड करो ज्ञान गंगा का लिंक जितना हो सके फॉरवर्ड कर दो बेटा एक चीज और बता रहा हूं बेटा ट्वेंटी फर्स्ट से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेट बैच स्टार्ट हो रहा है नया नए आरोहण एंड लक्ष्य बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और इक्कीस तारीख लास्ट डेट है 22 तारीख अर्ली मॉर्निंग से फी हाइक हो जाएगी 7.25 परसेंट तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो यूजिंग द रेफरल कोड मेरी गाइडेंस में आ जाओ आई एम गोइंग टू मेंटर यू पर्सनली फॉर बोथ मैकेनिकल एज वेल एज एक्सी ओके तो बेटा अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन रे बाबा लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो कमेंट करो रे बाबा बेटा ये है ज्ञान गंगा

tinyurlcom यू आर एल डॉट कॉम बस इसको टाइप कर देना आप लोग पहुंच जाओगे ज्ञानगंगा तक सर कैसी दिखेगी ज्ञान गंगा लेटर सपोज यू वांट टू वॉच फ्लूड मैकेनिक्स क्लासेस नेम ऑफ द चैप्टर लेक्चर नंबरिंग थर्ड कॉलम विल बी नेम ऑफ़ द टॉपिक फोर्थ कॉलम विल बी हैविंग द वीडियो क्लास लिंक फिफ्थ कॉलम विल भी हैविंग द पी लिंक ठीक है

मूमेंट यू आर यूजिंग नेगेट एंड यू आर सिंग सर नाउ एम योर रेस्पॉन्सिलिटी मैंने अपना का दिया अब मैं आपकी रेस्पॉन्सिलिटी मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है आई विल द कस्टमाइज बैच फॉर मैं आपको बताने वाला कब कहा किससे कैसे क्या पढ़ना है आपको उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आई विल बी योर सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्ट ऑन अकेडमी प्लस दीज आर दैचेजेड रिसेंटली ऑन फोर्टी जुलाई लक्ष्य फॉर गेट एंड सी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बैच ई आरोहन फॉर गेट एंड सी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बैच ई तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं और ये है नए बैचे जो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा इक्कीस तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है एक्सेलरेट बैच दूसरा होगा आपका आरोहण बैच तीसरा होगा लक्ष्य बैच अफकोर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्फ एंड स्पार्क बैचेज ऑल्सो और बेटा ये है मेरा कोर्स जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आप लोग देख सकते हैं आपको प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा होगा डिटेल्ड कोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉर गेट एंड एक्सी। इसकी थोड़ी डिटेल दे देता हूं आप लोगों को बेटा दिस बैच आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच इज वेडनस डे टाइमिंग्स ऑफ द कोर्स विल बी एट थर्टी पी एम टू इलेवन पी एम एंड ऑफकोर्स I will be covering the syllabus of gate, mechanical, and XE. Konsa courses start kar Applications of thermodynamics. Okay. The moment you are coming on an academy plus using the referral code Nikita, you will be getting the live classes from top educators, including me. In case you are missing the live classes, you will be able to watch the recorded sessions. You will be getting the daily practice problems, you will be getting the practice seats. The moment you are coming on An Academy Plus, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. You'll be having the weekly quizzes, you will be getting the detailed solutions of the weekly quizzes. The moment, the moment your syllabus is over, you will be having the rank improvement batches and crash courses. Yes. And those who are my Negi soldier from the southern part of the country, they need not to worry about the language. Language karni Chintaini karniabeta. You will be having the batches. Yes, you are from Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Kerala, Odisha, Tamil Nadu. You need not to worry about the language. You will be having the batches in English also. English only also. Spark and Verb batches are the English only batches. I will take care of you. You don't worry. Now, if you are financially well settled, then you can join an academy iconic using the same referral code Negitan. The moment you are joining an academy, iconic, you will be getting the personal coach. This personal coach is going to guide you one-to-one -one, right from the beginning till the end, right from the preparation strategy till the interview guidance. Personal coach will make sure you are getting the customized study planner. You are getting the personalized test analysis. Yes, of course, your each and every weekly quiz is going to be analyzed so that you are ready for the D-day. You will be having the study booster session from an academy. How to increase the th

Nagi soldier will be getting the maximum discount. Maximum discount will wala hai. And the fee is going to be reduced. For 12 months, the subscription fee will be reduced to 27,225 rupees. Yes, 27,225 rupees. For 18 months, subscription fee will be reduced to 34,650 rupees. For 24 months, subscription fee will be reduced to थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज एंड द बेस्ट पार्ट इज इफ यू वॉन्ट यू कैन पे इन नो कॉस्ट ई एम आई ऑल्सो आप नो कॉस्ट ई एम आई में भी पे कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग द क्रेडिट कार्ड ऑफ एनी बैंक इफ यू आर हैविंग द डेबिट कार्ड ऑफ एच डी एफ सी बैंक मे बी एक्सिस बैंक मे बी आईसीआईसीआई बैंक और मे बी यू आर हैविंग द बजाज फिन सर्फ कार्ड यू कैन पे इन नो कॉस्ट ई सर मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है बेटा आपके पास नेगी सर है ना आप एक काम करो अगर इन तीनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है आप जाओ नेगीटन टेलीग्राम चैनल पर यू गो टू नेगीटन टेलीग्राम चैनल वहां से निकालो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मुझे व्हाट्सएप कर दो और मुझे व्हाट्सएप कर दो सर मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है लेकिन मेरे को अन प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए वो भी नो कॉस्ट ई पे डमी लर्निंग एप ओके दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉरमी आईकॉनिक और यह चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी बेटा लास्ट डेट टू अवेल द करेंट प्राइस इज अ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई बाईस तारीख से आपको ये वाला प्राइज देना होगा ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई से ठीक है तो जिसको ज्वाइन करना है आनी आना है मेरी पर्सनल गाइडेंस में मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है आ जाओ इस पर वाई टू यूज नेगेटन बिकॉज नेगेटन इज नॉट जस्ट कोर्निंग टू बोलो रे बाबा द of mechanical head ऑफ academy brands ऑल इंडिया रैंक rank one 2019 नाइन ट्वेंटी पेपर ऑल इंडिया rank one बैंक नोट पेपर मिल ट्रस्ट ऑफ सो मैनी ऑनैडमी प्लस याद रखना प्लस एक्सी मतलब मैके well अगर आप चाहते हो कि मिनिमम मेरे को आई आई टी से एम टेक हो जाए कम से कम अगर मैं गेट का एग्जाम लिखूं मुझे आई आई टी से एम टेक हो जाए तो बेटा आ जाओ मेरी गार्डन्स में मैकेनिकल से भी लिखेंगे एक्सी से भी लिखेंगे और एटलीस्ट आई आई टी का एम टेक एडमिशन सिक्योर कर लेंगे दिस इज माई टीम टू हूम एम लीडिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल बेहतरीन टीम है ऋषि सर मनीष सर आलोक सर 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 संदीप सर बेहतरीन टीम है बेटा आप इन लोगों से पढ़ो आपको मजा आ जाएगा आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है थैंक यू सो मच है ना फाइनल इन आर आल्सो एलिजिबल बेटा कीर्तन चलो बाय थैंक यू सो मच बेटा लव यू ऑल टेक केयर थैंक यू